नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एक एक करके इन प्रश्नों को देखेंगे और क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड के भीतर किस तरीके से हल करेंगे, खास तौर से एचसीएफ वाले प्रश्न जहां पर भाग करने में हमें बहुत लंबा समय लग जाता है। तो देखिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल है 20, 250 और 120 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ये क्या है? 20, 250 और 120 का HCF पूछा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम HCF सीखते हैं, HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। देखिए 20 से हम कितने को भाग करेंगे? 20 से हम भाग करेंगे 120 को। अब यहां पर यह पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया। तब ऐसी कंडीशन में जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक का मतलब जिससे ये संख्या डिवाइड हो जाती है पूर्ण रूप से, उसी संख्या से फिर हम अगली संख्या जो बची हुई संख्या रह जाती है उसको भाग करते हैं। 20 दूनी 20 कितना बचा? 5, 50 हो गया। 20 दूनी 40 कितना बचा? 10। अब यहां कुछ नहीं बचा, फिर इससे पिछले भाजक को भाग करेंगे, ये उतार लेंगे 10 दूनी 20। और जब पूर्ण रूप से संख्या विभाजित हो जाती है और कुछ भी शेष नहीं बचता है, तब जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा HCF हो जाता है। अब यहां संख्या छोटी थी तो हमें करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी आएंगी तब हमें भाग करने में टाइम लगता है। ऐसी कंडीशन पे क्या करना चाहिए? देखिए HCF निकालने का आपका तरीका ये होना चाहिए कि जो भी आपके प्रश्न में संख्या दे रखी है उनमें दो सबसे बड़ी संख्या आप उठाएंगे। 250 सबसे बड़ी संख्या 250 हो गई, इससे छोटी संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस जो आएगा उस डिफरेंस को देखेंगे कि किन किन ऑप्शन से वो डिफरेंस जो है वो कट सकता है। देखिए यहां पर 15 से नहीं कट रहा, 20 से नहीं कट रहा और 25 से डिवाइड नहीं हो रहा, बचा क्या रह गया? 10। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 10। जिस संख्या से वो दो बड़ी संख्याओं का डिफरेंस कट जाएगा वही आंसर होगा। अगर ऐसी कंडीशन में कि एक से ज्यादा संख्याओं से वो डिफरेंस विभाजित हो रहा होगा, तब जो सबसे बड़ी संख्या से वो डिफरेंस कट रहा होगा वो हमारा ऑप्शन बन जाएगा। ये हमारा HCF को निकालने का ऑप्शन वाला मेथड है। तो यहां पर किस संख्या से 130 डिवाइड हो रहा है? 10 से। तो हमें इसके पूरे करने की जरूरत नहीं बनेगी, क्योंकि हमें एग्जाम में अपना टाइम टेकने, समय जो है उसको सेव करना है। और समय हम कैसे सेव कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों में जहां पर हम क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन के अनुसार कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है? अब देखिए हम चूंकि रिविजन कर रहे हैं HCF और LCM का, तो हमें यह भी देखना है कि क्वेश्चन को हम कैसे पहचाने कि इसमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। जिस भी प्रश्न में आपका यह अधिकतम महत्तम हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा सबसे ज्यादा ये शब्द दिखाई देंगे, आपको क्या निकालना होगा ऐसे प्रश्नों में? HCF निकालना होगा। अब HCF को हमने भाग विधि से निकालना सिखा दिया, लेकिन अगर इसको ऑप्शन से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, एग्जाम में कैसे करते हैं इस प्रश्न के लिए? देखिए कितनी कितनी संख्या दे रखी है, 24, 36 और 60। हमने दो सबसे बड़ी संख्या ले ली, 36 और 24, 60 और 36। 60 और 36 का डिफरेंस कितने का आ गया? 24 का। अब ये देखेंगे ये डिफरेंस जो आया है ये किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। देखिए 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 चौक 24, और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 दूनी 24, 18 से नहीं हो रहा और 15 से नहीं हो रहा। अब ऐसी कंडीशन में जब एक से अधिक संख्या से डिवाइड होगा तो जो बड़ा वाला ऑप्शन होगा, जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 12। और अगर हम वैसे करते इस प्रश्न के लिए भाग विधि से तो किस तरीके से करते? देखिए क्या करते हैं हम, 24 से सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं पहले किसके लिए? 36 के लिए। कितनी बार जाता है? एक बार। कितना हो जाता है? 24 एकम 24। कितना बचा? 12। अब जो बचा 12, 12 से फिर हम इस वाली संख्या को भाग करेंगे 24 को, 12 दूनी 24,
अब यहां कुछ भी नहीं बचा, फिर ये वाली संख्या फिर से यहां उतारते और 60 में भाग कर देते, 12 पंजे 60, जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। ये भाग विधि है। तो आंसर हमें एग्जाम में किस तरीके से करना है, ऑप्शन के मेथड से करना है। ठीक, हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है यूपी प्लस री एग्जाम के हिसाब से चल रही है, तो क्वेश्चन को हमें मैथ में समय बचाना है कि कितने कम समय में हम ऐसे प्रश्न कर सकते हैं जिससे कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे हम वहां पर थोड़ा समय लेके क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाए। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर चावल के तीन ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल की बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। क्या पूछा है? अधिकतम क्षमता ज्ञात करें। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, और जहां पर मैक्सिमम के बारे में बात की जाएगी वहां पर हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। कितना है? 120 किलोग्राम है, 144 किलोग्राम है और 204 किलोग्राम है। दो सबसे बड़ी संख्या, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 56 और 4 60। अभी देखेंगे ये डिफरेंस जो आया है किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड नहीं हो रहा और 18 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब बड़ी वाली संख्या क्या है, 12। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या जाएगा, 12 HCF जो होगा इसको, यही प्रश्न में पूछा है। तो HCF के प्रश्नों में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से कितना भी बड़ा सवाल हो और चाहे कैसा भी सवाल हो, इसके शेषफल का सवाल हो या नॉर्मल सवाल हो, सब आप सारे के सारे इस तरीके से हल कर सकते। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 और 553 को विभाजित करती है? तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। अब देखिए शेषफल पर आधारित प्रश्न है, किस तरीके से हल करेंगे इसको। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 460, 491 और 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में 26 शेष बचता है, यानी हर अवस्था में 26 शेष बचना ही बचना है। तो हम क्या काम करेंगे, यहां पर ये जो 26 के बारे में बात कर रहा है, इस 26 को हर संख्या में से हम घटा देंगे। कितना जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और यहां बचा 5 में से 3, 5 में से 2 गया 3 और यहां 434 ये हो गया, 11 में से 6 गया 5, यहां 8 में से 2 गया 6 और ये 465 हो गया, 13 में से 6 गया 4 और 3 7, यहां बचा 4 में से 2 गया 2 और ये 5। यानी प्रत्येक मामले में जो 26 शेष बचने की बात कर रहा है हमने उसको पहले ही घटा लिया। अब क्या बचा, ये जो संख्याएं बची हैं 434, 465 और 527, हमें इनका HCF निकालना है। अब देखिए संख्या आ गई बड़ी, जब संख्या बड़ी आ जाएंगी तब आपको क्या काम करना है, इनको भाग विधि के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। क्या करना है, दो सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी दिखाई दे रही है, 527 और 465, तो 527 और 465 का हम डिफरेंस निकालेंगे। 465 में से 527 में से 465 हम घटाएंगे, कितना जाएगा, 7 में से 5 गया 2, यहां 12 में से 6 गया 6 और यहां कुछ नहीं बचा। अभी देखेंगे ये अंतर आया है, डिफरेंस आया है 62, ये कौन से ऑप्शन से हमें कटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 27 से डिवाइड होगा 62, नहीं होगा, 33 से भी नहीं होगा, 35 से भी नहीं होगा और 31 दूनी 62 हो गया। यानी जो सवाल आपका 2 से 3 मिनट ले रहा है HCF निकालने में, वो सवाल सिर्फ 2 से 3 सेकंड लेगा या 2 से 5 सेकंड ले लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बस आपको क्या काम करना है, जो दो सबसे बड़ी संख्या होंगी उनके डिफरेंस को ये देखना है कि कौन से ऑप्शन से डिवाइड हो सकता है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन ले लेंगे, अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है तो वहां पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर, ये दशमलव नहीं है, दशमलव समझ रहे हो, 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। अब पिछले वाले जो सवाल की बात कर रहे थे, पिछले वाले सवाल में क्या कह रहा था, प्रत्येक मामले में 26 शेष बचे, और इस वाले सवाल में ये कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 और 5 बचे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, जो अलग अलग शेषफल के बारे में बात कर रहा है वो हम संख्या घटा लेंगे। कितना, 729 है और 901 है, कितना, इसमें से 9 घटाने के लिए प्रश्न कह रहा है और 901 में से 5 घटाने के लिए कह रहा है, ये कितना हो जाएगा 720 और ये 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 9 और यहाँ
आठ। 896 और 720 दो ही संख्याएं हैं, तो यहां से इनका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 896 में से 720 घटा दिया तो कितना हो गया 6, यहां कितना बचा 7 और यहां कितना बचा 1, 176। देखिए 176 चार ऑप्शन जो है आपके पास, किस में से कट सकता है, 15 से कटेगा नहीं, 1999 171 होते इससे भी बच गया, 20 से कटने की संभावना नहीं क्योंकि अंत में जीरो दे रखा है, यहां जीरो है नहीं, 16 से अगर डिवाइड करें तो 16 एक 16 और एक बचा और 16 एक 16 है, यानी आंसर क्या आ जाएगा 16। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 और 901 को भाग दें, यानी प्रश्न ये कह रहा है कि अगर हम इस वाली संख्या से इसको भाग करें, किसको 729 को भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा 9 शेष बचेगा, और 901 को भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा, ये कंडीशन अप्लाई वाले क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन से भी इनको भाग करके देख सकते थे, लेकिन हमें जब शॉर्ट इसका सबसे अच्छा तरीका पता है तो हमें वो करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 15, 25 तथा 29 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। एलसीएम की पहचान ये होती है जिस भी प्रश्न में या तो कह देगा कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, या ये देगा शब्द छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कम से कम नंबर ज्ञात करने की बात करेगा, यानी यहां पर छोटी से छोटी, कम से कम, मिनिमम, ये शब्द देखने के लिए मिलेंगे, और महत्तम समापवर्तक में अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा, वो शब्द देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां तो प्रश्न में सीधे सीधे कह रहा है एलसीएम ज्ञात करना है, और एलसीएम आपको किस तरीके से ज्ञात करना है, इसके फैक्टर करेंगे, यहां पर आपको फैक्टर करने ही पड़ेंगे, यहां आप एक ऐसी संख्या रखेंगे जिससे या तो ये सारी संख्या डिवाइड हो जाए, या एक डिवाइड हो या दो डिवाइड हो, कोई सी भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटी संख्या रखनी होती है, चाहे दो रख के देख लें, तीन रख के देख लें, पांच रख के देख लें, पांच तीन या 15, पांच पंजे 25 और 29 डिवाइड होगा नहीं। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो बस एलसीएम क्या आ जाएगा निकलकर, ये वाला 5 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 29 कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15 पंजे 75 और 75 गुणा 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2175, ऑप्शन सी। अगर एलसीएम के बारे में बात करेगा या एलसीएम सवाल में पूछा जा रहा है तो हमारा करने का तरीका क्या रहेगा, उसके हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तीन घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे, दो घंटे तथा तीन घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे तीन घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद वो एक साथ फिर बजेंगी। देखिए तीन घड़ियां हैं जो एक घंटे पर, दो घंटे पर और तीन घंटे के अंतराल पर बज रही हैं। तो यदि वे तीन घंटे पहले एक साथ बजी हो, एक साथ बजने का मतलब है कि तीनों ने एक साथ टाइम, जिस समय उनकी रिंग हुई हो, तीनों की एक साथ हुई हो, तो अब कितने समय के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो यहां पर क्या है, इस प्रश्न को आपको पहचान करना है, यानी इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा जिसमें इस तरीके की, यानी समय की या घंटी की बात करी जाएगी या घड़ी के बारे में बात की जाएगी, तो याद रखना है यहां पर आपको एलसीएम निकालना है। किस तरीके से पहचान करेंगे, देखिए क्या लिखा है, अगर ये लिखा है कितने घंटे बाद, कितने घंटे बाद, क्या ये कहें कितनी देर बाद, कितनी देर बाद, ये आपको सवाल में दिखाई दे तो आपको एलसीएम निकालना है, ये याद रखना है। ठीक, अगर आप ये पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, अगर हम ये याद नहीं रख पाएंगे तो हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस प्रश्न में आखिर पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है या एचसीएफ पूछा है। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे, प्रत्येक घंटे, दो घंटे और तीन घंटे, तो इनका एलसीएम निकाला कितना आ गया, एक दो और ये तीन घंटे एलसीएम। यहां पर देखिए अगर संख्या छोटी है, संख्या पिछले वाले सवाल में क्या था, संख्या बड़ी थी 15, 25 और 29, अगर संख्या छोटी है तब आप एलसीएम कैसे निकालते हैं,
जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, यहां पर तीन है सबसे बड़ी संख्या, तो इस सबसे बड़ी वाली संख्या का हम टेबल यानी पहाड़ा पढ़ते हैं और तब तक पढ़ते हैं जब बाकी सखी भी जो बची हुई संख्याएं हैं इनसे डिवाइड नहीं हो जाता। जैसा तीन इकन तीन, एक से डिवाइड हो रहा है, एक से तो सारी संख्या डिवाइड होंगी, लेकिन दो से डिवाइड नहीं हुआ, तीन दूनी छह, तो छह दो से भी डिवाइड हो गया और एक से भी डिवाइड हो गया और तीन के पहाड़े में तो छह आ ही रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं और संख्याओं से भी डिवाइड हो जाता है तो वो संख्याओं के लिए क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। तो ये एलसीएम छोटी संख्याओं के लिए, यहां पर आपको टेबल याद है 10, 11, 12, 14, 16, यानी यहां पर अगर ऐसी संख्या आ जाए तो आप पहाड़े के रूप में भी एलसीएम को हल कर सकते हैं। अब आंसर क्या आ गया कि प्रत्येक कितनी देर बाद वो एक साथ बज रही है, 6 घंटे बाद। लेकिन यहां क्या दे रखा है, यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब कितने घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी, यानी देखिए 6 घंटे बाद बजती है लगातार, 3 घंटे पहले वो बज चुकी है, अब यानी 3 घंटे हो गए हैं, आगे 6 घंटे होने के लिए, यहां से यहां तक 6 घंटे होने के लिए 3 घंटे पहले की बात कर रहा है कि पहले 3 घंटे पहले वो बजी है, तो अब कितनी देर बाद बजेंगी, 3 घंटे बाद ही तो बजेंगी। आंसर क्या जाएगा, 3 घंटे। अगर वो ये पूछता कि वो कितनी देर में एक साथ बजती है तो आंसर क्या आता, 6 घंटे। लेकिन यहां पूछा है कि यदि वो 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, यानी 3 घंटे यहां से यहां तक का समय कितना है, 6 घंटे का, 3 घंटे पहले एक साथ बजी है तो इस समय यहां पर है घड़ियों का टाइम, तो 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे अभी और लेंगे। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 घंटे। अगर पूछता कि तीनों कितनी देर में एक साथ कितनी देर बाद बजती है तो आंसर क्या होता, 6 घंटे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6, 8, 12, 16 आप टेबल के रूप में भी एलसीएम निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या दो रख ली यहां पर, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से करा 3, 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8, 3 आ गया, 2 1 2, 3 और 2 2 4, 3 से करा 3 1 3, 1 और ये 2 रह गया, कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 × 2 × 2 × 3 और लास्ट में ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 और 8 3 24 और 24 2 48, ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 शेष बचे। प्रश्न दे रखा है सबसे छोटी संख्या, क्या दे रखा है, सबसे छोटी संख्या। अब ऐसी कंडीशन में क्या काम करेंगे, जो शेष बचने की बात कर रहा है 3, 5 और 8, हम इसमें से ये जो संख्याएं दे रखी है 16, 18 और 21, इनमें से ये संख्या घटा देंगे, 3, 5 और 8, कितना आ जाएगा, यहां भी 13 आ गया, यहां भी 13 आ गया और यहां भी 13 आ जाएगा। अब क्या काम करेंगे, 16, 18 और 21 की जो संख्या दे रखी है, 16, 18 और 21, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, यहां पर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड किया, 2 8 16, 2 9 18 और यहां 21 ऐसे का ऐसे रह गया। अब देखिए 3 से लिखा, 3 8 आ गया ऐसे का ऐसे ही, 3 3 9 और 3 7 21, अब कोई भी संख्या जो है यहां से कॉमन नहीं आएगी, कटेगी नहीं, तो ऐसे लिख लिया, 2 × 3 × 8 × 3 × 7, कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 8 48 और 48 3 144 × 7, कितना आ जाएगा, ये 1008। अब देखिए प्रश्न आपको ये कह रहा है कि शेषफल जो है क्रमशः 3, 5 और 8 बचे, तो ये जो हमने कॉमन संख्या निकाली थी, ये कॉमन संख्या जो है इसमें से हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 995। ये जो 995 आया है, ये कह रहा है ये हमारा आंसर है। अगर हम इसको क्रॉस चेक करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 16 से 995 को भाग करेंगे तो शेष 3 आना चाहिए, तो देखिए आ जाएगा, 16 से भाग कर दिया तो 16 × 96 कितना बचा, 3 और हो गया 35, 16 × 2 = 32, यानी 3 शेष मिल गया। अगर हम 18 से भाग करते तो 5 शेष बचना चाहिए, 18 × 5 = 90, 9 बचा और फिर 5 लिख लिया, 95 हो गया, 18 × 5 = 90, 5 शेष बच गया,
ऐसे ही अगर हम 21 से भाग करेंगे तो 8 शेष बच जाएगा। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आपको दिखाई दे अलग अलग शेष बचने वाला, तो आपको क्या काम करना है, ये संख्याएं जो है इसमें से घटा देंगे और ये जो वैल्यू आएगी कॉमन वाली, ये जो आपने एलसीएम निकाला है इसमें से घटा के आपको उत्तर मिल जाएगा। ये आपके करने का तरीका रहेगा। ऐसा एक दो प्रश्न आपको किसी पुलिस के एक सेट पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगी, इसको स्टार मार्किंग कर लेना। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है। अब देखिए अक्सर कंफ्यूज करने वाला सवाल, अब यहां क्या दे रखा है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमने देखा ये सबसे बड़ी संख्या और आंसर निकालना चालू कर दिया क्या, एचसीएफ, जबकि यहां पर क्या निकलेगा, एलसीएम। ये धोखा देने वाले सवाल है। देखिए बात कर रहा है चार अंक के बारे में, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने से विभाज्य हो। जब भी देखिए अच्छा 32, 40, 36 और 48 इनसे जो भी संख्या विभाज्य होगी वो इनसे सबसे बड़ी होगी, और जब इनसे बड़ी होगी तो वो संख्या हमेशा एलसीएम होती है, और जो संख्या इनसे छोटी आएगी वो हमेशा एचसीएफ होगी। देखिए 32 से अगर विभाज्य करोगे, 32 से अगर किसी को काटोगे तो वो 32 से बड़ी तो संख्या होगी, होने को तो छोटी भी हो जाएगी, लेकिन 32 का पहला जब हम आगे पढ़ेंगे तो 32 दूनी 64, 32 तीन 96 इस तरीके से आगे चलेगा या उल्टा चलेगा माइनस में। तो यहां पर क्या निकालना होता है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल दे, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोल दे, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे, तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोल दे। इस तरीके के प्रश्न में हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। क्या है संख्याएं, 32, 40, 36 और 48। देखिए हम यहां पर कोई भी ऐसी संख्या लिख सकते हैं जो भाज्य हो और अभाज्य भी हो। अब चार लिख लिया, लिखते क्या, अभाज्य संख्या दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, पांच लिख सकते हैं, लेकिन चार इसलिए लिख लिया कि यहां से चार से सारी संख्याएं डिवाइड होने वाली है, तो यहां पर चार भी लिखा जा सकता है। कितना कितनी बार जाएगा, चार अट्ठे 32, चार ढाई 40, चार नौ 36 और 12 चौक 48। देखिए दो दो चौक 8 कितना बचा, दो पंजे 10, 9 और दो छंग 12, दो दूनी 4, 5, 9 और दो तीन 6, तीन से दो ऐसे का ऐसे ही 5, तीन तीन 9 और तीन ही कन 3। अब कुछ भी नहीं बचा तो संख्या लिख ली, 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 3। 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 दूनी 96 और 96 गुणा 15, 5 तिया 15 कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 हासिल 9 और 15 नंबर 135 और 9 144। अब देखिए सवाल आपका, ये आंसर नहीं आया अभी, आपका सवाल यह है कि 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य हो, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो ये होती है 9999। इस चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम भाग कितने से करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है इससे भाग करा जाएगा। कितनी बार जाएगा, 86, 40। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना बचा, 9, यहां कितना बचा, 5 और यहां कितना बचा, 3 और यहां 1। अब देखिए ये संख्या से ये संख्या जो है वो छोटी आ गई तो भाग नहीं जाएगा। अब जो शेष बचा, ये क्या बचा, शेष, इस शेष को, भाई शेष बचने का मतलब क्या होता है, फालतू, अगर हम इन चार अंकों की संख्या में से 9999 में से ये शेष अगर हम निकाल दें, कितना बचा, 0, यहां कितना बचा, 4, यहां 6 और यहां 8, 8640। ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, तीसरा वाला, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तीन, अगर इसी सवाल में ये कहता कि तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारा ये जो आंसर आता, यानी जो भी हम यहाँ पे एलसीएम निकालते उससे हम तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग करते। अगर पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आएगा तो पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाती, 999 पांच बार लिखते और हम एलसीएम से भाग कर देते। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, अक्सर ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप प्रैक्टिस सेट पेपर उठा के देखना, आपको ऐसे ही प्रश्न दिखाई देंगे खूब।
1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाज्य है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके सारे ही सवाल बहुत अच्छे हैं और सारे एग्जाम में पूछे गए। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे किया जाता है, इसका अपना करने का तरीका होता है, वैसे ही करना है आपको। क्या कह रहा है कि 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाज्य है? देखिए 36 और 102 से विभाज्य का मतलब यह है कि इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, कितने से डिवाइड हो जाएगा, 6 से हो जाएगी, 6 छंग 36 और 6 कन 6 और 6 सत्ते 42, ये इसका एलसीएम आ गया। 17 छक्का 102 और कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 कन 6, 612 आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब हमसे पूछा है कि 1500 और 2000 के बीच में वह संख्या कौन सी है जो इतने से विभाज्य है? जो संख्या इससे और इससे विभाज्य होगी वो निश्चित रूप से वो है, वो एलसीएम से भी विभाज्य होती है। अब 612 का पहाड़ा हमें नहीं आता, लेकिन हमें 612 में 6 का पहाड़ा तो आता है, 6 कन 6 6 दूनी 12 यानी 600 दूनी 1200, 6 3 18 तो 600 3 1800। जैसी 1800 संख्या आई वैसी दिमाग में हमारे एक बात आई कि 1500 और 2000 के बीच में क्या आता है, 1800 आता है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 3 और 6 3 18, कौन सी संख्या आ जाएगी 1836। तो अब ऐसे सवालों के लिए पढ़ाई थोड़ी की जाएगी, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाए तो कॉमन सेंस का प्रयोग किया जाएगा और आंसर लगा दिया जाएगा। कितने भी कह दे, अगर कह देता कि 2000 और 2500 के बीच तो कितने से गुणा कर देते, इसकी 4 से गुणा कर देते। तो इस तरीके के सवालों का अपना तरीका होता है, एग्जाम आ जाए तो कर देंगे, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य चार अंकों वाली महत्तम संख्या क्या होगी? अब देखिए क्या पूछा है, चार अंकों वाली महत्तम संख्या, यानी जिसके आगे भी ये डिजिट की बात करी जाएगी, ये डिजिट लग जाएगा वहां पर, आपको जहां बड़ी से बड़ा दिखाई दे, महत्तम दिखाई दे, छोटा से छोटा दिखाई दे, वहां आपको निकालना ही क्या है, एलसीएम ही निकालना है। क्यों, क्योंकि ये डिजिट आ गए चार अंकों की, बड़ी से बड़ी, चार अंकों की का मतलब बड़ी से बड़ी क्या हो गया, ये चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब हम ये जो दे रखा है संख्या 10, 15 और 20, इसका हमने एलसीएम निकाला 10, 15 और 20 का, 20 दूनी 40 और 20 तीय 60, पहाड़ा पढ़ के हमने एलसीएम निकाल लिया, 60 इनका एलसीएम आ गया। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 20 इकन 20 नहीं डिवाइड हो रहा है, 10 से हो गया 15 से नहीं हुआ, 20 दूनी 40 10 से हो गया 15 से नहीं हुआ, और 20 तीय 60 10 से भी कट जाएगा 15 से भी कट जाएगा और 20 से तो डिवाइड हो ही रहा है। हम इस एलसीएम से 60 से किसको भाग करेंगे, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कितनी बार जाएगा, 60 ही कन 60 कितना बचा, 9 3 भाग नहीं जा रहा है 39 में तो उतार लिया, 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 छंग 36 360 हो गया, 9 3 फिर से एक बार उतार लेंगे और फिर से 6 बार कर लेंगे, कितना आएगा 360 कितना बचा 39। अब देखिए अगर भाग करेंगे तो दशमलव लगा के शून्य बनाना पड़ेगा, तो दशमलव की तो हमें जरूरत नहीं है, जो शेष बचा उस शेष को ही जिस संख्या है आपकी इसमें से घटा देंगे, 39 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0 6 9960, यानी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9960 है जो 10, 15 और 20 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। अगर इसी प्रश्न में ये कह देते कि चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 15 और 20 से भाग करने पर, या हाँ भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में चार शेष बचे या प्रत्येक अवस्था में छह शेष बचे, तब हम क्या काम करते, इसमें हम ये जो लेकर आए हैं इसमें हम जो कंडीशन अप्लाई करते वो हम उतना ही और जोड़ देते। अगर चार शेष बचने को कहता तो चार जोड़ देते, छह शेष बचने के लिए कहता तो छह जोड़ देते, तो वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम और करने को और देखने के लिए इस तरीके के प्रश्न में मिल जाते हैं। यहां कंडीशनल क्वेश्चन बनते हैं, हमें एलसीएम और एचसीएफ के माध्यम से जो कंडीशन अप्लाई करने की बात करते हैं वो हमें फॉलो करना होगा। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 3 6 9 12 और 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं, तब वो 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी, 3
छ, नौ और बारह और पंद्रह कितनी बार बजेंगी, वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, यानी या कितनी देर बाद बजेंगी, कितनी देर बाद बजेंगी, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम। देखिए क्या एलसीएम क्या निकालेंगे तो क्या आएगा, कितने से कर दें डिवाइड, तीन से, तीन इकन तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह और तीन पंजे पंद्रह, दो से कर देते हैं, एक एक तीन, दो दूनी चार और पांच। अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं बची तो लिख देंगे तीन गुणा दो गुणा तीन गुणा दो गुणा पांच, तीन दूनी छह और छह तीन अठारह दूनी छत्तीस पंजे एक सौ अस्सी। पूछा क्या है कि अंतराल पर बचती हैं तो 36 मिनटों में वे कितने एक साथ कितनी बार बजेंगी। देखिए ये जो आपने निकाला है ये क्या निकाला है एलसीएम, इसका मतलब ये आया कि प्रत्येक 180 सेकंड के बाद वो एक साथ बजती है, यानी 180 सेकंड में यानी तीन मिनट में वो सारी की सारी घंटियां एक साथ बजती हैं। तो इससे आप भाग कर दोगे कितनी देर, 36 मिनट को, 36 को आपने तीन से भाग किया, क्या आ गया आंसर 12। आपने खुशी खुशी लगा दिया एग्जाम में कॉपी चेक हुई, आंसर गलत हो गया। अब गलती क्या होती है यहां पर, इसी चीज को समझना है, आंसर क्या आएगा इसका 13 आएगा। है क्या आपसे कहा कि डॉक्टर ने यह कहा कि प्रत्येक आधे घंटे के बाद दवाई खानी है, आपने 4 बजे दवाई खा ली, अब आपको आधे घंटे के बाद खानी है तो आपने 4:30 में दवाई खाई, तो यहां से यहां तक कितना टाइम हुआ, 30 ही मिनट तो बढ़े, लेकिन 30 मिनट में आपने कितनी बार दवाई खा ली, ये देखो दो बार खा ली, एक बार 4 बजे खाई और एक बार 4:30 पर खाई, यानी हमें इस तरीके के प्रश्न में एक बार एक्स्ट्रा हमें जोड़ना ही है तभी आपका आंसर सही आएगा, और नहीं तो 99% केस में इस सवाल का आंसर जो है हम लोग गलती करके आते हैं एग्जाम में। क्या पूछा है कितनी बार बजेंगी, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करके चलना है, तब आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 13। हाँ तो यही तो, और ऑप्शन में ऐसे ही आते हैं 12-13 ये लगातार वाले। 5 घंटे एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वे तीनों 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं, तो वे द्वारा एक साथ कितने बजे या किस समय बजेंगी, कितने बजे हैं 11 बजे बजी हैं, 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर, 20 30 और 40 समय का इस तरीके का सवाल आ रहा है, जो भी जिसमें घंटियों की बात की जा रही है, टाइम की या घड़ी की बात की जा रही है, उसमें आपको याद रखना है कि एलसीएम ही निकालना है, 10 दूनी 20, 10 तीन 30 और 10 चौक 40, 2 एक 2 3 और 2 दूनी 4, 10 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 10 दूनी 20 तीन 60 दूनी 120 मिनट, कितनी देर बाद वो एक साथ बजेंगी, 120 मिनट बाद, ऑप्शन में नहीं है, 120 मिनट है, 120 मिनट का मतलब क्या हो गया 2 घंटे, सवाल में क्या रखा है कि 11 बजे एक साथ बजी हो सुबह के, तो 2 घंटे बाद, तो 11 बजे में अगर हमने 2 घंटे जोड़ दिए तो क्या आंसर आ जाएगा 1 बजे, फिर वो एक साथ कितने बजे बजेंगी, दोपहर के 1 बजे। ठीक, चलिए निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी होती है, ऐसा प्रश्न भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। 5, 6, 7, 8 से विभाज्य होती है करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन 9 से भाग करने पर वो पूर्ण रूप से कट जाती है, 5, 6, 7, 8 क्या काम करेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या पूछा है तो कुछ डाउट ही नहीं है, क्या निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए यहां कोई संख्या कॉमन है आपस में नहीं है तो इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 × 6 × 7 × 8 कितना आ जाएगा, 5 × 30 और 3 × 7 = 21, 210 × 8 कितना आ जाएगा 0, 8, 1680। अब क्या पूछा है कि भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य है,
अब शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है और 9 द्वारा विभाज्य भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, 1600 ये 1600 जो 80 आया है इसमें क्या काम करेंगे, ये शेषफल जो बच रहा है ये ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1683। अभी देखेंगे कि ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 दूनी एक बार जाएगा कितना आएगा, 9 एकन 9, कितना बचा 7, 9 8 72, कितना बचा 6 और 9 7 63, यानी ये संख्या पूर्ण रूप से 9 से डिवाइड होने वाली है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1683। ये हमने इसको शॉर्ट तरीके से कर लिया, लेकिन इसका एक्चुअल में करने का तरीका क्या होता कि ये जो वैल्यू आई 1680, इसकी हम एक ऐसी संख्या से गुणा करते और इसमें हम जो भाग करने के लिए कह रहा है ये जो शेषफल है ये हम जोड़ते और k का मान हम रखते 1 2 3 4 5 के रूप में। मान लीजिए हमें यहां पर k का मान 1 ही रखना पड़ गया, तो 1680 गुणा 1 + 3 कितना हो गया, ये 1683। अब हम इसको देखते कि ये संख्या जो है 9 से कटने वाली है या नहीं, ये इसके करने का तरीका है, लेकिन यहां पर हमारा इस तरीके से काम चल गया, तो आंसर इस प्रश्न के लिए क्या जाएगा, 1683। 7/16 21/32 49/8 का महत्तम समापवर्तक HCF पूछा है। देखिए अगर बात करें भिन्न के बारे में फ्रैक्शन का, अगर हमसे जो भी पूछा जाए चाहे LCM पूछा जाए या HCF पूछा जाए, तो अगर जो पूछा गया है ऐसे सवाल में भिन्न के सवाल में दोनों चीजों का प्रयोग किया जाता है, HCF का प्रयोग भी किया जाता है और LCM का प्रयोग भी किया जाता है। प्रश्न में जो पूछा गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, HCF जो पूछा गया है, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं अंश, ऊपर वाली संख्याओं के क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्याओं के लिए क्या बोलते हैं, हर। तो जो पूछा गया है वो ऊपर वाली संख्याओं का निकालते हैं, क्या पूछा है इसमें महत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि LCM बताइए, तब ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालते और नीचे वाली संख्याओं का HCF, यानी जो सवाल में पूछा गया होगा वो अंश के साथ निकालना होता है। अब HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, अब यहां ऑप्शन तो है नहीं, जब ऑप्शन नहीं है तो भाग विधि से निकाल लो, 7 से 21 को भाग किया, 7 3 21 पूरा पूरा कट गया, तो ये वाला 7 यहां उतार लिया, अब अगली संख्या कितनी है 49, भाग किया 7 7 49 पूरा पूरा कट गया, यानी अंतिम भाजक जो होता है वो HCF होता है, ऊपर क्या आ गया 7 आ गया। अगर हम बात करें इनकी नीचे वाली संख्याओं के LCM के, तो 16 32 और 8 इनका LCM निकालेंगे, 8 रख लिया, 8 2 16 8 4 32 और 8 1 8 2 1 2 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 8 2 16 और 16 2 32 ये इसका आंसर आ गया इस प्रश्न के लिए, 7/32 कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला 7/32। देखिए फिर से समझिए, अगर भिन्न का सवाल है और यहां पर LCM पूछे या HCF पूछे, जो प्रश्न में पूछा गया होगा वो ऊपर वाली संख्याओं के साथ अंश के साथ निकालेंगे। अगर इसी प्रश्न में मैं ये कहता कि इसका LCM निकालिए, तब क्या काम करते, 7 21 और 49 का हम क्या निकालते, LCM निकालते, और नीचे वाली संख्याएं 16 32 और 8 इनका क्या निकालते, HCF। ये होमवर्क है आपका इस प्रश्न के लिए, आपसे यहां पर क्या निकलवाया था, HCF, आपको निकालना है LCM, जिसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रम से 29 और 435 है, यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या बताइए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणा HCF, यह फार्मूला होता है, इसको याद रखना, अगर ये याद नहीं रहेगा तो इस तरीके के कोई भी प्रश्न जो समावर्तक वाले होते हैं वो आपके नहीं होंगे। मासा और लासा कितना दे रखा है, HCF और LCM 29 और 435, एक संख्या 145 है, अब इसमें पुटी तो करना है,
एक संख्या 145 है, दूसरी संख्या हमसे पूछी है, एलसीएम कितना दे रखा है 29 और गुणा कितना दे रखा है लासा 435। कितने से डिवाइड हो जाएगा? अगर 5 से हमने इसको काटा तो 5 दूनी 10, 4 बचा 5 नम 45 और इससे डिवाइड किया तो 5 अट्ठे 40, 3 बचा और 5 सत्ते 35, 29 से 29 कट गया। यानी जो दूसरा नंबर आ गया, जो दूसरी संख्या पूछी है वो कितनी आ गई 87। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा 87। इसके गाल पर थप्पड़ लगाइए जरा। दो संख्याओं का मासा 96 है और उनका लासा 1296 है, यदि उनमें एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? वही जो भी हमने पिछले वाले सवाल में किया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। कितना है एचसीएफ? कितना है 96 है और एलसीएम कितना है 1296 है। एक संख्या उनमें से कितनी है 864 है और दूसरी संख्या उनमें से पूछी, कितनी बार जाएगा? 12 से डिवाइड हो जाएगी, 12 से 84, 12 अट्ठे 12 से कट जाएगी। देखिए 12 से 84, 2 बचा, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96 और 8 नम 72 और 9 से इसको डिवाइड किया तो 9 इक्का 9, कितना बचा 3 और कितना हो गया 9 चौक 36, फिर से 3 बचा 9 चौक 36, क्या आंसर आ गया 144। अगर दो संख्याओं में एक संख्या दे रखी है और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है तो आपको ये प्रयोग करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मासा 12 है यानी एचसीएफ 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं? देखिए गुणनफल कितना दे रखा है 2160 और मासा कितना दे रखा है 12। चलिए हमने दो संख्या ए और बी मान ली, ये हमने अपने मन से मान ली। जब हमने संख्या मानी है तो जो संख्याओं का अनुपात होता है अगर हम उसमें एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अगर हमने इसमें 12 से गुणा कर दी तो ये हमें संख्या मिल गई 12a × 12b। अगर हम इनकी गुणा करें, संख्याओं की गुणा करें, तो गुणनफल कितना मिल गया 2160। दो संख्या मानी ए और बी, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करी तो 12 ए और 12 बी बन गया, इनका गुणनफल आपके प्रश्न में दे रखा है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, गुणनफल का मान यानी ए बी का मान निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 2160 को हमने भाग करा कितने से 12 × 12, कितनी बार जाएगा 12 × 12, कितना बचा 9 और 12 अट्ठे 96 और 12 से 180 को भाग किया कितना आ गया 15। ए बी का मान कितना आ गया 15। इसको समझना है, यानी इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं। ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या है ए गुणा बी। अब कितनी संख्याओं की आपस में गुणा करें कि 15 लाया जा सकता है, यानी एक की गुणा करी जा सकती है कितने से 15 से, अब 15 आ जाएगा 1 × 15 और भाई 2 से गुणा करेंगे तो आएगा ही नहीं 15, 3 से गुणा कर जा सकती है 5 तो 3 × 5 = 15, 4 से नहीं आएगा 5 से करी जा सकती है कितने की 5 × 3 = 15। तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अरे 3 × 5 या 5 × 3 एक ही बात तो है और इससे अलावा और कोई संख्या बची नहीं। तो कुल कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, एक पेयर ये दूसरा पेयर ये, कितने जोड़े बन गए 2 जोड़े। ए बी का मान निकालकर और हमें उसको देखना है कि इस तरीके से कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, आंसर क्या जाएगा 2 पेयर। ये क्वेश्चन भी स्टार मार्किंग कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 और लासा 924 है तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे? देखिए मासा कितना दे रखा है 12 और लासा कितना दे रखा है 924। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, अभी हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखिए हमने पहली संख्या क्या मान ली, हमने यहां पर ए अनुपात बी के अनुपात के रूप में मानी है, अगर हम उनमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो संख्या क्या हो जाएंगी 12 ए और 12 बी। अगर हम इनकी गुणा करें 12 ए
गुणा 12B बराबर एलसीएम कितना है 924 और एचसीएफ कितना है 12। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 12 से ये 12 चला गया और एक 12 से ही कितना जाएगा 12 7 84, 7 बार गया कितना बचा 8 और 12 7 84, यानी ए गुणा बी का मान कितना आ गया 77। अब जो सेम पिछले वाले सवाल में किया था कि ए बी का मान कितना दे रखा है 77, 77 किस तरीके से आ सकता है, एक की और सात की गुणा करके आ सकता है और 11 की और सात की गुणा करके आ सकता है और किसी भी तरीके से 77 नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक पेयर ये एक पेयर ये, यानी दो पेयर दो जोड़े। इस प्रश्न के लिए आंसर भी क्या जाएगा, दो पेयर। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मासा 13 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। अनुपात रेशियो कितना दे रखा है 7:11, मासा कितना है 13। देखिए मासा का मतलब एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है, कॉमन संख्या निकालने के बाद जो संख्या बचती है वो अनुपात के रूप में हो जाती है, यानी हम इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें दोनों संख्याओं में तो 13 7 91 और ये कितना जाएगा 1 3 और 3 और 1 4 91 और 143, ये दो संख्या आ गई। आपसे पूछा है इनका एलसीएम याद करो, तो 91 और 143 का एलसीएम कैसे याद करेंगे, या तो आप सीधे सीधे इस अनुपात में 13 से गुणा कर देते, या आपसे ये आपको इसलिए निकाल के सिखाया है या बताया है आपसे पूछने लगे कि छोटी संख्या बताइए या बड़ी संख्या बताइए या दोनों संख्याओं का योगफल निकालिए या दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। तो जो दो संख्या निकाली जाएंगी वो किस तरीके से निकाली जाएंगी, आप अनुपात में डायरेक्ट एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बड़ी और छोटी संख्या निकल कर आ जाएंगी, और नहीं तो हम सीधे सीधे क्या काम करते, यहां से हम सब पूछा था एलसीएम, एलसीएम कैसे निकाल देते, इस अनुपात से एचसीएफ से इस अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते। 13 7 91 गुणा 11 1 9 1 10 का 0 हाँ से लेकर हो गया 9 और 1 10, आंसर क्या आया था 1001। अगर संख्या पूछता छोटी संख्या तो कितनी हो जाती 91, बड़ी संख्या कितनी हो जाती 143, और अगर डायरेक्ट आपसे पूछा है एचसीएफ दे रखा है अनुपात दे रखा है तो इनकी सबकी आपस में गुणा कर दो, आपको सीधे क्या मिल जाएगा एलसीएम निकल आ जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एलसीएम कितना दे रखा है 66, संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 2:3, तो हमने संख्या यहां से क्या मान ली 2x और 3x, क्यों मानी, क्योंकि हमने अपने मन से x HCF का मान क्या मान लिया x मान लिया। क्यों माना ऐसा, कि हमने पढ़ा था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुणा HCF, ये हमने पीछे वाले सवाल में भी पढ़ा था। तो हमने क्या करा, अनुपात में अगर HCF से गुणा कर दी तो हमें संख्या मिल जाएंगी, तो संख्या क्या हो गई, एक संख्या 2x हो गई, दूसरी संख्या 3x हो गई। एलसीएम कितना दे रखा है 66, एचसीएफ कितना हमने मान लिया था x, बस इस x का मान निकालना है, कितना हो जाएगा 3 × 6x² बराबर 66 × x, इस एक x से ये वाला x गया, इस 6 से इसको डिवाइड किया x बराबर क्या आ गया 11, और हमारे एचसीएफ का एचसीएफ हमने क्या मान रखा था x, और x का मान कितना आ गया 11, यानी हमारा एचसीएफ निकल कर कितना आ गया 11। पूछा क्या है संख्याओं का योग, इस प्रश्न में संख्याओं का योग पूछा है तो कोई बात नहीं, अगर एचसीएफ पूछता तो आंसर 11 आ जाता, संख्याओं का योग क्या कर देंगे 11 × 22, एचसीएफ से यानी एक्स की वैल्यू से यहां रख देंगे और 11 × 3 = 33 और इनको जोड़ के कितना आंसर आ जाएगा 55, आंसर क्या हो जाएगा 55। ये जो लास्ट के 3-4 सवाल जो हमने कराए हैं, यहां पर एक ही तरीके के प्रश्न में कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे अभी यहां पर क्या पूछा है, हमने क्या निकाल दिया एचसीएफ, तो सीधे सीधे सवाल में एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है संख्याओं का योगफल, आपसे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का अंतर,
लेकिन करने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से सवाल को किया है, ये फार्मूला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याएं का अनुपात जो है 3:4 है तथा उनका मासा 4 है, उनका लासा क्या। ये सवाल आपके होमवर्क में है। लास्ट के जो 4-5 सवाल बताए हैं उनमें से 1-2 सवाल आपको निश्चित रूप से संख्या बदल के साथ या फिर सेम संख्याओं के साथ आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप इनको एक बार जरूर प्रैक्टिस लगा के देख लें प्रैक्टिस सेट पेपर में से। हमने एलसीएम और एचसीएफ के सारे ही मेन टाइप के बहुत अच्छे अच्छे सवाल ले लिए हैं और यहीं से सारे प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, आज की जो हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्लास थी बहुत ही अच्छी क्लास ये रही है, इसको आप जो है अगर मिस कर दिया आपने तो बार बार जो है रिपीट करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।